मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजय पांडियन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रविवार को खूनीपुर, चौरैया गोला, इस्माइलपुर, घंटाघर क्षेत्रों की विभिन्न गलियों में भ्रमण कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया तथा क्वारंटाइन किए गए घरों के लोगों से मिलकर उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल की और कहा कि यदि कोई दिक्कत हो तो तत्काल जिला प्रशासन या कंट्रोल रूम को अवगत कराएं, जिससे आपको तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भी सभी को लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये सर 11400 कहाँ से आए सब ठीक है सर जी। आपको बधाई देने आए हम लोग कि आप लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं घर में। कहाँ से आए थे असलम साहब? असलम बम्बई। डीएम साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं, आपको बधाई देने आए हैं कि आप अच्छे से हैं और पालन कर रहे हैं। ठीक ठाक है वो 14 तारीख उनको अलग कमरे में रखिएगा, उनका जूठा पानी वानी हल्का चलन जी गिर जाता है, ग्रोथ खत्म हो जाता है उसने का, तो वो कॉल कर देते हैं कि हमारा पोस्टर गिर गया, हमारा पोस्टर गिर गया। वाला कुछ खराब हो, यहाँ चूना सर लगा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा वो लीक हो जाएगा। मार्कर पेंट के ऊपर नहीं हटेगा, यहाँ गांव बड़ालगंज एरिया में एक बीमार तो नहीं पड़ा, कोई सर्दी सब लोग ठीक है, आज पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब आए आपको बधाई देने कि आपने 14 दिन अच्छे से अनुभव और रहना है, आ जाएंगे ना बाहर से। आइए आइए, डीएम साहब आए, कमिश्नर साहब आए, 14 लोग अच्छी घर पे भाई, काफी सबकी तबीयत वबीयत सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ ना बैठो, कितने दिनों का अब तो हो गया आपका ऐसा, लेकिन लॉकडाउन जब तक रहेगा नहीं, अंदर ही रहिए, अंदर ही रहना। आपके और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अपना जूठा मीठा मत करिए, अलग अलग खाइए, एक दूसरे का जूठा मत खाइए पीजिए। काफी हो गई, 14 अप्रैल तक यही रहना है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं कोई तकलीफ। पड़ोसी पड़ोसी से भी नहीं मिलना किसी से, नहीं बाहर नहीं निकलना, ठीक है। खाना पीना अपना अलग रखिए, ठीक है। डीएम साहब आए, कमिश्नर साहब आए, आपका हालचाल लेने के लिए। सर कितना दिन तक रहेंगे हम? अभी तो 14 तारीख तक सभी ने अपने अपने घरों में रहे, अंदर ही रहे। राशन मिला होगा? राशन मिला है? हाँ आज लाए, आज लाए। चलिए राशन सबको, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो अभी जो है घर के अंदर रहना, मतलब बाहर भी बैठ के नहीं करना, इसका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना है। वो बंद नहीं करना है, आप सभी को बीमारी है तो कोई इलाज नहीं है। हाथ बार बार धो लीजिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रहिए, घर का अंदर ही रहना है 14 अप्रैल तक। कोई बाहर से व्यक्ति आया हो, कहीं मुंबई, दिल्ली, विदेश से, अपने परिचय बता दें ताकि हम लोग चेक कर लें उनको। घर का अंदर ही रहिए, घर से बाहर कतई नहीं निकलना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जिले का ब्रांड नंबर राशन मिला, गेहूँ चावल मिला है, पैसा वाला मिला, पैसा वाला ही मिलेगा, 15 तारीख को देंगे।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, बुला रहा है। नहीं, तुम आए थे या कोई और आए? नहीं, हम नहीं आए थे सर। बच्चे आए जी? बच्चे ठीक है, वो पढ़ने गए थे सर। अच्छा, पढ़ने गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है दो बार बस, ठीक है? कोई भी आप ये नहीं कि बंद है तो बाहर बैठ गए? नहीं नहीं, बाहर नहीं, अंदर ही रहिए। ठीक, रुक रुक तो गिर तो ना जाए। इसको क्या बोलूं, गाड़ी अपनी गाड़ी में तो लगा रखा है करने के लिए, नाम कट गया। लॉकडाउन की हम लोगों ने जो लॉकडाउन का निर्देश मिला है तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि रथलेस लॉकडाउन होना चाहिए, उसका अनुपालन सभी को किया जाना चाहिए। और आज हम लोगों ने जो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं जिलाधिकारी और एसएसपी साहब के साथ, उन लोगों से भी मिले हैं कि वो होम क्वारंटाइन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसको किसी चीज़ में बाहर आके उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखने का प्रयास किया है कि जो भी होम क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको वो ठीक से करें और लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली अनुपालन हो और सबको राशन और जो भी खाद्य सामग्री है वो ठीक से मिले, यही देखने का प्रयास किया गया।